हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इकान नवाज़ और आज हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स पे। सो लेट्स बिगिन विद परफॉर्मेंस अप्रेजल। जी हाँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू एन एम्प्लॉय हाउ ही और शी इज़ परफॉर्मिंग द जॉब एंड देन इस्टेब्लिशिंग अ प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। सो अगर हम इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग। इवेलुएट क्या करना है? एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। ठीक है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के बाद हमें एक क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी कि व्हाट इज़ हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, किन एरियाज़ में लैक कर रहा है और किन एरियाज़ में वो लीड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, वी हैव टू कम्युनिकेट दिस परफॉर्मेंस विद एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय को भी पता चले कि इस टाइम वो कहाँ खड़ा है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, वी हैव टू इस्टेब्लिश अ प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर वो जिन एरियाज़ के अंदर लैक कर रहा है उनको फिल आउट करने के लिए फिर हम देखते हैं उसकी इम्प्रूवमेंट प्लान के लिए उसको कौन सी ट्रेनिंग्स चाहिए होंगी। ठीक है, इट मीन्स कि ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल की ज़रूरत पड़ती है। अब बात यह है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है उसकी वो क्यों किया जाता है और किन किन पर्पसेस के लिए कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन ने जब कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, लाइक प्रोमोशन का डिसीजन लेना है, तो वो क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की रीसेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल देखेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल उसका बताएगा कि वो प्रमोशंस की पोजीशन में है या नहीं। ठीक है, इट मींस कि प्रमोशंस हों, फायरिंग्स हों, लेऑफ्स हों, मेरिट पे इंक्रीज़ हों या ट्रेनिंग्स हों, इन सब के लिए हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स की। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स बेसिकली डिफरेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स हैं। दे ऑल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। ठीक है, जॉब नेचर के अकॉर्डिंगली हम इन तमाम मेथड्स में से कोई एक मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स यूज़ किए हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, देन देयर इज़ 360 डिग्री फीडबैक, ग्राफिक रेटिंग स्केल, बार्स, क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल, एस्से, चेकलिस्ट, फोर्स्ड चॉइस, रैंकिंग एंड देन वर्क स्टैंडर्ड अप्रोच। सो लेट्स बिगिन विद मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो दूसरा नाम है इसे हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स भी कहते हैं या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके बेसिकली जो अगर हम देखें तो इसके 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, और 6 स्टेप्स के अंदर क्या होता है, परफॉर्मेंस बाय मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली ये होता है कि आपका मैनेजर और एम्प्लॉय जो है वो एक जगह बैठते हैं एंड दे डिसाइड सम स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मैनेजर और एम्प्लॉय मिल के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दे डिवेलप अ एक्शन प्लान। एक एक्शन प्लान डिवेलप किया जाता है कि हाउ वी कैन अचीव दीज पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव जो हैं उसके लिए एक्शन प्लान हमने डिवेलप कर लिया, देन एम्प्लॉय को अलाउ किया जाता है, उसको अलाउ किया जाता है कि वो एक्शन प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ अर्सा देखा जाता है और देन मेजर किया जाता है कि उसने उन ऑब्जेक्टिव्स को कहाँ तक, किस हद तक अचीव किया है। ठीक है, इफ़ ही इज़ नॉट मीटिंग हिज ऑब्जेक्टिव्स देन द मैनेजर टेक सम करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद फिर उसके लिए न्यू ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इट मीन्स के मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव्स पे होता है। तो इसके लिए हमें एक चीज़ बिल्कुल नोटिस करनी चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे मस्ट बी चैलेंजिंग। ठीक है, चैलेंजिंग हो बट दे मस्ट बी अचीवेबल, क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए एंड ठीक है, अब यहाँ पे और रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, लाइक हाउ वी कैन इम्प्रूव वर्क ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम देखें एक ऑब्जेक्टिव है वो बहुत पुअरली डिफाइंड है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं। सबसे पहला है कि टू मैक्सिमाइज़ प्रोडक्शन। ये ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है कि आपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है, लेकिन ये क्लियर नहीं है। ये अचीवेबल तो है लेकिन इसके अंदर आपको एम्बिगुअस है। ठीक है, कि कितना प्रोडक्शन लेवल आपने मैक्सिमाइज़ करना है, क्या है, कितने टाइम में करना है। तो अगर हम देखें, अगर एक बेटर ऑब्जेक्टिव को देखें तो दैट इज़ इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 10% विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, ये एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें, रिड्यूस एब्सेंटिज्म। ठीक है, ये पुअरली डिफाइंड है। ठीक है, अगर हम इसको क्लियरली डिफाइंड फॉर्म में देखें, टू एवरेज नो मोर देन 3 एब्सेंट डेज पर एम्प्लॉय पर ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर एक एम्प्लॉय के 3 से ज़्यादा जो एब्सेंट डेज हैं वो नहीं होने चाहिए एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ट लेस रॉ मटीरियल। ये भी एज सच क्लियर नहीं है, लेकिन अगर हम एक क्लियर ऑब्जेक्टिव देखें तो दैट इज़ टू वेस्ट नो मोर देन 2% ऑफ रॉ मटेरियल। आपने 2% से ज़्यादा रॉ मटेरियल अगर आपने वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन आपने इंप्रूव करनी है, दैट इज़ नॉट क्लियर। क्लियर क्या है कि आपने टू प्रोड्यूस नो मोर देन 2 रिजेक्ट्स पर 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के। ओके, सो नेक्स्ट इज़ 360 डिग्री फीडबैक। ठीक है, इसको मल्टी रेटर असेसमेंट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि द 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम एंड एम्प्लॉयज अप्रेस्ड बाय हिज, कौन उसको अप्रेस कर रहा है, हिज सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट्स, उसके पीयर्स एंड कस्टमर विद होम ही इंटरेक्ट्स इन द कोर्स ऑफ हिज जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, इट मीन्स कि उसको जो इवेलुएट कर रहा है वो उसके करीबी, उसके सुपरवाइज़र है, उसका सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके पीयर्स और इसके अलावा उसके कस्टमर्स भी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऑल दीज अप्रेजर्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और फीडबैक ऑन एन एम्प्लॉय बाय कंप्लीटिंग सर्वे क्वेश्चनियर्स डिज़ाइन फॉर दिस पर्पस। सब अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, ये सब तो उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्वेश्चनियर्स को फिल करते हैं। इसके अलावा जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय है वो खुद भी अपना क्वेश्चनियर फिल करता है। फिल करने के बाद जो HR डिपार्टमेंट है वो क्या करता है कि वो उसके असेसमेंट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो एम्प्लॉय को भी प्रोवाइड करते हैं और फिर देखते हैं, एम्प्लॉय देखता है कि किस तरह से उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है अपने सबऑर्डिनेट्स, पीयर, सुपरवाइज़र और कस्टमर्स से। ठीक है, वो फिर एवेलुएट कर लेता है कि अपनी परफॉर्मेंस को वो किस तरह से देख रहा है और दूसरे उसकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ ग्राफिक रेटिंग स्केल। अच्छा, ग्राफिक रेटिंग स्केल के अंदर क्या होता है कि जो रेटर है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करता है कुछ फैक्टर्स की बेस पे। ठीक है, लाइक फर्स्ट फैक्टर हो सकता है, अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो अटेंडेंस की बेस पे देखा जा सकता है, या देखा जा सकता है उसका बिहेवियर टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट्स, या उसकी सिंसियरिटी, उसकी डिपेंडेबिलिटी। इन फैक्टर्स की बेस पे हम उसको इवेलुएट करते हैं। ठीक है, अब एक फैक्टर है, उस फैक्टर के साथ हम एक स्केल डिफाइन करते हैं। ठीक है, पुअर टू एक्सीलेंट, या हम इसको कह सकते हैं 1 to 5 स्केल है। 1 जो है वो लीस्ट है और जो 5 वाला दैट इज़ एक्सीलेंट। सपोज हम बात करते हैं डिपेंडेबिलिटी की। ठीक है, इसमें जो पुअर है, पुअर में क्या इसमें इसका वो फैक्टर है, उसमें ये है कि ही रिक्वायर्स क्लोज सुपरविजन, मीन्स के ही इज़ अनरिलायबल। हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते काम करने के लिए, उसके सर पे एक सुपरविजन हर वक्त रहनी चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें फेयरली पुअर पे तो इसमें है कि ही समटाइम्स रिक्वायर्स प्रॉम्प्टिंग। अगर हम फेयरली पुअर था, अब हम फेयरली गुड पे देखें तो दैट इज़ के यूजली कम्प्लीट्स नेसेसरी टास्क विद रिस्पॉन्सिबल प्रॉम्प्टनेस। अगर हम गुड पे देखें तो गुड का जो स्केल है ही डिनोट्स दैट ही रिक्वायर्स लिटिल सुपरविजन, मीन्स कि ही इज़ रिलायबल। हमें हर वक्त उसके सर पे चढ़ के खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ी बहुत सुपरविजन दे दो तो ठीक है, अदरवाइज़ वो रिलायबल है अगर सुपरविजन ना भी मिले। और एक्सीलेंट पे क्या है, एक्सीलेंट पे है कि ही रिक्वायर्स एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ सुपरविजन। ठीक है, कि मिनिमम लेवल की सुपरविजन चाहिए, मीन्स कि वो अकेले काम कर सकता है। अगर आप सुपरविजन बिल्कुल भी प्रोवाइड ना करो तो ही कैन डू बाय हिज ओन। ठीक है, दिस इज़ ग्राफिक रेटिंग स्केल के ये फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स की बेस पे हम एम्प्लॉय को इवेलुएट करते हैं। नेक्स्ट कम्स बार्स, इसको हम बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि इट इज़ अ बार्स आर डिज़ाइन टू ब्रिंग द बेनिफिट्स ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव डाटा टू द एम्प्लॉय अप्रेजल प्रोसेस। क्योंकि बार्स कंपेयर एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ बिहेवियर दैट आर एंकर्ड आर न्यूमेरिकल रेटिंग्स। ओके, बार्स के अंदर क्या होता है, बार्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप एक परफॉर्मेंस लेवल का आप एक बेंचमार्क डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं, उस बेंचमार्क से फिर आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो देयर इज़ 1 to 7 स्केल। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने एम्प्लॉय की जो डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पे रेटिंग है वो 1 to 7 पे करनी है। ठीक है, अगर जो 1 है, 1 जो है इट्स डिनोटिंग अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड 7 इज़ डिनोटिंग एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कम क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड के अंदर क्या होता है कि जो असेसर है या जो क्या कहते हैं उसको रेटर है, वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखते हुए उसके डेली वाइज जो इंसिडेंट्स हैं, वो इंसिडेंट्स जो उसके गुड या बैड बिहेवियर को, या आप इस तरह से कह सकते हैं जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंसिडेंट्स को इलिस्ट्रेट करते हैं, उनको वो नोट डाउन करता है। अगर हम इस यहाँ पे देखें तो द क्रिटिकल इंसिडेंट मैथड रिक्वायर्स द रेटर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स। कौन सी स्टेटमेंट? दैट डिस्क्राइब्स एक्सट्रीमली गुड और बैड बिहेवियर रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, हमने वही वाले स्टेटमेंट्स या वही वाले इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करना है जो उसके गुड और बैड दोनों तरह के या पॉजिटिव नेगेटिव उसके बिहेवियर को हमने नोट डाउन करना था। स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल इंसिडेंट्स एंड आर यूजुअली रिकॉर्डेड बाय सुपरवाइजर ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन पीरियड फॉर ईच सबऑर्डिनेट। फिर क्या होता है? रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स इंक्लूड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसका एक डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि वो ये है कि जो रेटर है उसको एवरी टाइम हर इंसिडेंट को देखना है, फिर उसको जोट डाउन करने में लगाया था, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसकी वजह से एम्प्लॉय और उसके मैनेजर के दरमियान थोड़ी फ्रिक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है ही ऑलवेज कंसिडर दैट हिज मैनेजर इज़ कीपिंग अ बुक ऑन हिम। ठीक है, तो ये जो है ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स एसे अप्रेजल। ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक है, ओके, व्हाट हैपन इन दिस मेथड? द रेटर राइट्स अ नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑन एन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ्स, हिज वीकनेसेस, हिज पास्ट परफॉर्मेंस, हिज पोटेंशियल एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। इट्स पॉजिटिव पॉइंट इज दैट इट इज सिंपल इन यूज, इट्स डजंट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट्स एंड एक्सटेंसिव या यू कैन से स्पेसिफिक ट्रेनिंग टू कम्प्लीट इट। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जब आपने रेटर ने असेस करना है उसकी परफॉर्मेंस को, उसको पूरा एनालाइज करने के बाद वो क्या करता है कि ही जोट डाउन ऑल द पॉइंट्स इंक्लूड्स हिज स्ट्रेंथ्स, हिज वीकनेसेस, हिज पास्ट परफॉर्मेंस एंड हिज पोटेंशियल एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, इसका एक नेगेटिव या यूँ समझ लें कि इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि समटाइम्स जो रेटर है, हो सकता है कि वो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा लिख ले और उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे थोड़ा कम लिखे, या हो सकता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ्स पे बहुत ज़्यादा लिखे और उसकी वीकनेसेस पे बहुत कम लिखे। ठीक है, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक बहुत अच्छा राइटर अपने राइटिंग स्टाइल से एक एवरेज जो एम्प्लॉय है उसको एक बहुत बेहतरीन एम्प्लॉय की फॉर्म में ना ले आए। ठीक है ना, हो सकता है कि वो इतना अच्छा एम्प्लॉय ना हो। ठीक है, बट ही लुक्स बेटर इन हिज राइटिंग स्ट्रक्चर। ये एसे अप्रेजल का एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट कम्स चेकलिस्ट। अच्छा, चेकलिस्ट के अंदर क्या होता है कि आपने एम्प्लॉय को रेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ येस एंड नो। स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, स्टेटमेंट्स में आपने बस देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट इस एम्प्लॉय को डिफाइन कर रही है या नहीं। ठीक है, लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या इज़ रेगुलर ऑन दी जॉब, लाइक एम्प्लॉय जो है ही इज़ रेगुलर ऑन दी जॉब और नो। हमने येस और नो में आंसर करना है। इफ़ ही इज़ रेगुलर देन वी कैन से येस, देन नो। द बेसिक पर्पज ऑफ यूटिलाइजिंग चेकलिस्ट मैथड इज़ टू ईज द एवेलुएशन बर्डन अपॉन दी रेटर। सो व्हाट हैपेंड इन दिस मैथड इज अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स इन येस और नो आर प्रिपेयर्ड बाय द HR डिपार्टमेंट। द चेकलिस्ट इज देन क्या presented to the rater to tick appropriate answer relevant to the appraiser. Each question carries a weightage in relationship to their importance. ठीक है, तो it means के आपने checklist के अंदर yes no में आंसर करना है, और ये as such time consuming भी नहीं है रेटर के लिए, लेकिन ये HR डिपार्टमेंट के लिए somehow time consuming है। नेक्स्ट कम फोर्स्ड चॉइस मेथड। इसमें क्या होता है कि आपको पहले से स्टेटमेंट्स, क्यों समझ लें कि रेडीमेड स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं ब्लॉक्स के अंदर, आपने सिंपली ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में आंसर करना है। आपने स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एम्प्लॉय और नॉट। ठीक है, लाइक अंडर दिस मैथड द रेटर इज़ फोर्स्ड टू आंसर द रेडीमेड स्टेटमेंट्स एज गिवन इन ब्लॉक्स ऑफ टू और मोर about the employee in terms of true or false. Once he is done with the list, it is forwarded to the HR department for the final assessment of the employee. अगर हम इस statement को break down करें तो it means कि हमें ready made statements मिलेंगी एम्प्लॉय के बारे में, और हमने क्या करना है, हमने उसको ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आंसर करना है। ठीक है, अब जैसे अच्छा समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ आप ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आंसर करते हो, समटाइम्स आपने उसको रैंक प्रोवाइड करना होता है। रैंक होता है 1 to 5 या 1 या 5। ठीक है, 1 जो है इट मीन्स कि इट इज़ मोस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट अबाउट द एम्प्लॉय, और 5 इट इज़ द लीस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट फॉर द एम्प्लॉय। अब हम इसमें फर्ज करें, हम स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, कोई एक स्टेटमेंट दी हुई है कि द एम्प्लॉय रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। ठीक है, हमने बताना है ट्रू या फॉल्स। वाकई अगर वो अपनी क्रिटिसिज्म को रिफ्यूज़ करता है तो फिर हम कह देंगे कि इट्स राइट। ठीक है, अगर रैंक की फॉर्म में करेंगे तो इट मीन्स के हम 1 का रैंक देंगे, क्योंकि 1 मीन्स मोस्ट डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, कि सीरियसली इसको डिफाइन कर रही है। ये हो गया फोर्स्ड चॉइस मेथड। नेक्स्ट कम फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जनाब, इस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टली हमारे पास आती है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रेटिंग। ठीक है, और वर्टिकली हमारे पास क्या आती हैं, वर्टिकली हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। अच्छा, हम इसमें इनको डिस्ट्रीब्यूट किस बेस पे करते हैं, हम करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते हैं 1 to 100 के स्केल के ऊपर, वो 1 यूँ समझ लें कि उनकी परफॉर्मेंस को हम 10% रैंक करते हैं, वो यहाँ पे फॉल करते हैं। हु डज़ नॉट मीट एक्सपेक्टेशंस। और जो एवरेज एम्प्लॉयज़ होते हैं हु मीट्स एक्सपेक्टेशन 60% आप कह सकते हैं, वो यहाँ फॉल करते हैं। ठीक है, और दोज हु एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस वो इस 80 to 100 के इसके अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स के आप रेटर को फोर्स करते हैं कि आपने इस बेल शेप के अंदर इन तमाम एम्प्लॉयज़ को किसी तरह से एडजस्ट करना है। ठीक है, फिर उसने एडजस्ट करना है कि जो लेस परफॉर्मेंस है उसको वो इस एरिया में डाल देता है, जो एवरेज होते हैं वो यहाँ फॉल करते हैं, और जो बेस्ट पर्सनस होते हैं वो यहाँ फॉल करते हैं। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, दिस मेथड अज्यूम्स दैट एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस लेवल कन्फर्म्स टू अ नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स 10, 20, 40, 20 एंड 10%। या ये देखिए, ये 10% है, या ये और ये भी 10% है। ठीक है, बीच में 80% आ जाता है। अगर आप इसको 20 करें तो बीच में ये 60% आ जाता है। ठीक है, और इसका हमें यूज़फुलनेस इसकी ये है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हों तो फिर ये मेथड जो है ये आपके लिए इजी रहता है। सो नेक्स्ट कम रैंकिंग मेथड। अच्छा, रैंकिंग मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर क्या होता है कि एक पेज है, उसकी लेफ़्ट साइड पे तमाम एम्प्लॉयज़ की नेम्स की लिस्ट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स को देखते हुए आपने क्या करना है कि जो आपको उस लेफ़्ट साइड पे जो लिस्ट है उसके अंदर आपको अगर लगता है कि कोई एम्प्लॉय जो सबसे अच्छा एम्प्लॉय है, आपने उसका नेम लेफ़्ट से काट के राइट में सबसे टॉप पे लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो अच्छा एम्प्लॉय है उसका नाम लेफ़्ट से काट के राइट में सेकंड नंबर पे लिख देना। इट मींस के बेस्ट से लीस्ट बेस्ट तक जो एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको जोट डाउन कर देते हो राइट साइड पे। ठीक है, इसमें क्या है, ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्मल सिस्टमैटिक मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन विच एम्प्लॉयज़ कंपेयर्ड विद ऑल अदर फॉर द पर्पज़ ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ वर्थ। ठीक है, नंबर 1 पे वही आते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। द एम्प्लॉयज़ आर रैंक फ्राम हाइएस्ट टू द लोएस्ट, फ्राम द बेस्ट टू द वर्स्ट। ठीक हो गया, ये हो गया रैंकिंग मेथड। अब हमारे पास आता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड क्या है, इसमें बेसिकली होता है कि इन दिस मेथड ईच एम्प्लॉय इज़ कंपेयर्ड विद अदर एम्प्लॉयज़ ऑन वन बेसिस ओनली। मीन्स कि फर्ज करें हमारे पास 6 एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है, हम डिफरेंट फैक्टर्स के बिना पे उनको कंपेयर करते हैं। मीन्स कि हम पहले एम्प्लॉय को दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करेंगे। अब पहला फैक्टर क्या है, हम देखते हैं क्वांटिटी ऑफ वर्क है। क्वांटिटी ऑफ वर्क को देखते हुए हम पहले को तमाम बाकी के 5 से कंपेयर करेंगे कि अब हमने जब पहले को दूसरे से कंपेयर करेंगे हम देखेंगे कि को इन दोनों में से किसका क्वांटिटी ऑफ वर्क ज़्यादा है। अगर पहले का ज़्यादा है तो हम उसके ऊपर एक स्टार लगा देंगे या एक टिक लगा देंगे। ठीक है, तो फिर तमाम फैक्टर्स की बेस पे सबको सबके साथ इवैल्यूएट किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि वो एम्प्लॉय जो सबसे ज़्यादा टिक मार्क्स जिसके होंगे वो उसको कंसीडर किया जाएगा कि ही इज़ द मोस्ट और ही इज़ मोस्ट बेटर पर्सन अमंग ऑल देम. ठीक है. द रेटर इज़ प्रोवाइडेड विद अ बंच ऑफ स्लिप्स ईच कॉइनिंग पेयर ऑफ नेम्स. द रेटर पुट्स टिक्स मार्क अगेंस्ट द एम्प्लॉयज होम द ही इंसाइडर्स द बेटर ऑफ द टू. ठीक है. मीन्स के जिसके सबसे ज़्यादा टिक मार्क्स होंगे तो जनाब ही विल बी द बेस्ट पर्सन. नेक्स्ट कम वर्क स्टैंडर्ड्स. जी हाँ, वर्क स्टैंडर्ड के हम क्या करते हैं कि हम कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर देते हैं, या आप इसको कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आउटपुट जो है आप वो सेट कर देते हो. फिर व्हाट वी डू, वी कंपेयर ईच एम्प्लॉयज़ लेवल ऑफ द लेवल टू द स्टैंडर्ड. हम तमाम एम्प्लॉयज़ की, हर एम्प्लॉय की वर्क को उस स्टैंडर्ड के साथ मैच करते हैं एंड देन वी सी हु मैच दैट स्टैंडर्ड. ठीक है. तो जो एम्प्लॉय उस स्टैंडर्ड को मैच कर रहा होता है तो जनाब वो एम्प्लॉय दी बेस्ट करार दिया जाता है. फिर हम देखते हैं कि जो नहीं उस स्टैंडर्ड को मीट कर पाते फिर उनके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, या फिर आप इम्प्रूवमेंट प्लान तैयार किए जाते हैं, जैसे हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल की डेफिनेशन में देखा था. ठीक है. मीन्स के जिन्होंने एक्सपेक्टेड लेवल को मीट नहीं किया उनके लिए फिर उनकी जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग मेथड डिज़ाइन किया जाता है और उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं. सो आज के लिए इतना ही. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़.